लंबे समय से काम कर रहे वृहद अनुभवी कैजुअल अनाउंसर कंपियर्स की सेवाओं और नियमितीकरण के दावे को प्रभावित करने के उद्देश्य से आकाशवाणी महानिदेशालय ने आनन फानन में री स्क्रीनिंग के नाम पर अनुभवी आवाजों को बाहर कर नई भर्तियां शुरू कर दी और कारण बताया कि आकाशवाणी को नई फ्रेश आवाजों की जरूरत है क्योंकि समय के साथ पुरानी आवाजें अपनी चमक खो चुकी हैं और एक ही प्रकार की आवाजें सुनकर लोग बोर हो चुके हैं। री स्क्रीनिंग और फ्रेश ऑडिशन की प्रक्रिया उन केंद्रों में पहले शुरू की गई जिन केंद्रों के कैजुअल अपने नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर यूनियन के रूप में संगठित होने लगे थे। छटनी और नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही अधिकतर केंद्रों में बरसों से कार्यरत कैजुअल कर्मियों ने विभिन्न न्यायालयों की शरण ले ली। अदालतों ने भी सभी को यथास्थिति आदेश दे दिया। ये सभी आदेश सुप्रीम कोर्ट के उस यथास्थिति आदेश के आधार पर दिए गए जो नियमितीकरण संबंधी हाई कोर्ट के फैसले को महानिदेशालय द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद पुरुषोत्तमन और उनके साथियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सितंबर 2016 को मिला था। विभिन्न अदालतों के यथास्थिति आदेशों का आकाशवाणी अधिकारियों ने अपनी अपनी तरह से मतलब निकालना शुरू कर दिया। जहां कुछ केंद्रों ने ये पूरी प्रक्रिया रद्द करने का फैसला ले लिया, वहीं कुछ ने सिर्फ री स्क्रीनिंग करवाई और कोर्ट गए लोगों को इससे अलग रखा, तो कुछ केंद्रों ने फ्रेश ऑडिशन यानी नई भर्ती भी करवा ली। केरल के कन्नूर केंद्र ने भी जब नई भर्ती करने का प्रयास किया तो पुरुषोत्तमन और उनके साथी शशिधरन ने पुनः एर्नाकुलम के कैट कोर्ट में याचिका दायर करते हुए बताया कि ये कृत्य यथास्थिति आदेश का उल्लंघन है। एर्नाकुलम कोर्ट ने आकाशवाणी केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि अव्वल तो नए पैनल की कोई जरूरत नहीं क्योंकि पहले से जितने हैं उनको ही पूरी ड्यूटी नहीं मिल रही। कुल ड्यूटीज को वर्तमान पैनल में शामिल अनाउंसर कंपियर्स को बराबर भाग में देने के बाद अगर एक भी ड्यूटी खाली बचती है तो आप नया पैनल बना सकते हैं। क्या आप जानबूझकर कैजुअल की ड्यूटीज कम करना चाहते हैं क्योंकि वे कोर्ट गए? नया पैनल अगर आएगा तो स्वाभाविक रूप से सबकी ड्यूटीज कम होंगी और ये आप नहीं कर सकते क्योंकि प्रार्थियों को सर्वोच्च न्यायालय से स्टेटस को प्राप्त है। जब अधिकारियों ने दलील दी कि नया टैलेंट चाहिए, नई आवाज चाहिए, तब कोर्ट ने कहा फिर तो आपको मोहम्मद रफी, चित्रा या अन्य पुराने गायकों के गीत भी नहीं बजाने चाहिए क्योंकि उन्होंने बरसों पहले गायन शुरू किया था। कोर्ट ने पूछा कि आप फंड की कमी का कारण बताते हैं तो फिर नए लोगों के खर्चे वहन कैसे करेंगे? और इस आधार पर कोर्ट ने कन्नूर केंद्र में होने वाली नई भर्ती को भी निरस्त कर दिया। आकाशवाणी महानिदेशालय जहां एक ओर अनुभवी बताकर रिटायर्ड अधिकारियों को मोटे मोटे मानदेय पर फिर से बुला रहा है, वहीं अनुभव से तराशी गई श्रोताओं की पसंदीदा आवाजों को बाहर करने की जुगत लगा रहा है, जबकि श्रोता अब भी बिना का गीतमाला के अमीन सयानी को सुनना पसंद करते हैं। लगातार इस्तेमाल से धातु की मशीन खराब हो सकती है लेकिन आवाज तो हर अभ्यास के बाद और निखरती है। बताइए, क्या लता मंगेशकर अब सुरीला नहीं गाती? क्या अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन और अमीन सयानी की री स्क्रीनिंग करेंगे? न्यायालय के यथास्थिति आदेश को हर केंद्र के अधिकारी अपनी स्थिति के अनुसार परिभाषित कर रहे हैं और अपनी नौकरी बचाने के लिए केंद्र का आदेश कहकर खुद को कोर्ट की अवमानना का शिकार बना रहे हैं।